नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। मतदान केंद्र की संख्या इस बार बढ़ने के चलते महिला कर्मियों की आवश्यकता अधिक पड़ी है। इस बीच चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि महिला मतदान कर्मी रात को बूथ पर नहीं रुकेंगी। इस आदेश का महिला कर्मियों ने स्वागत किया है। विदित हो कि पहली बार महिलाओं को चुनाव ड्यूटी लगाई गई है। आज से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय चुनावी दौरा शुरू हो गया है। दोनों प्रमुख नेताओं को 10 चुनावी सभाओं में जनता सुनेगी। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ संकेत दे दिया है कि 5 सीटों पर भाजपा के साथ हुए लोग दोस्ताना चुनावी संघर्ष में रहेंगे। इस बात की जानकारी वे भाजपा शीर्ष नेतृत्व को भी दे चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य में बिजली विभाग को अभी बिचौलियों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा बिजली बिल भरना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए बिहार आने वाले हैं। इस दौरान खुफिया एजेंसियों द्वारा जारी इनपुट के बाद पीएम की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। इसके लिए 7 IPS अधिकारियों की टीम लगा दी गई है। पहले चरण के लिए 28 को मतदान होंगे, जिसमें मोकामा के अलावा बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज एवं विक्रम विधानसभा क्षेत्र प्रमुख है। पहले चरण के 113 बूथों से इस बार सीधा प्रसारण किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटना हाई कोर्ट में अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सुनवाई होगी। विदित है कि बीते मार्च माह से ही लॉकडाउन के बाद यह व्यवस्था विभिन्न न्यायालय में जारी है। खबरों के मुताबिक मक्का की कीमत में 50% तक की गिरावट दर्ज की गई है। कृषि विभाग के सचिव का भी मानना है कि कोविड के दौरान मक्के की दर में गिरावट का असर किसानों पर पड़ा है। आज माता के कुष्मांडा रूप की विधिवत पूजन की जा रही है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी नेम नियम और निष्ठा से कर उपासक धन्य हो रहे हैं। घरों के साथ मंदिरों में भी माता की पूजा की गई। आज तीसरे दिन की साधना की गई। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज़।